लाइव स्ट्रीमिंग हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास स्काईलाइन ब्रांड का जो है इलेक्ट्रिक मल्टी कुकिंग पैन। तो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट जो है इतना ज़्यादा ऑनलाइन आपको नहीं मिल रहा है और ना ही आपको इसकी ज़्यादा वीडियो मिलेगी। तो चलिए फटाफट इसके हम आपको फीचर बता दें। तो फ्रेंड्स, ये पावर कंज्यूम करता है 600 वाट, टोटल कैपेसिटी जो है 1.5 लीटर है और ये इसका मॉडल नेम आप ये कह सकते हैं VTL-2040। तो स्काईलाइन में आप देखोगे बहुत प्रकार के बहुत ज़्यादा कुकिंग एसेसरीज मिल जाते हैं। तो मैं सभी प्रकार के सभी ब्रांड के जो है इलेक्ट्रिक कुकर का लिंक डाल दूंगा, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो। और इवन मेरे पास बजाज का भी एक मिनी इलेक्ट्रिक कुकर है, तो जो बहुत ही छोटा है। तो वी हो पाने वाले टाइम में हम इसका भी डेमो आपको देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके फीचर की बात करें, रैपिड हीट है, डबल बॉडी है, नॉन स्टिक कोटेड है, हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया गया है और ये लगभग वही फीचर बताया गया है फ्रेंड्स कि डबल बॉडी एंटी हीट और ओवर हीटेड। और ये जो है फ्रेंड, इसमें एक प्रकार का बॉयल ड्राई साल्टी कट ऑफ है, यानी कि अगर पानी इसमें ड्राई हो जाए, ओवर हीट हो जाए, तब भी ये अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। गुड क्वालिटी ग्लास लेड यूज़ किया गया, जैसे आप ये देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। और हम इसमें 4 या 5 बार पहले भी कुकिंग कर चुके हैं और ऑटो स्विच ऑफ व्हेन ओवरहीट, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। ये पावर कंजम्पशन है 600 वाट और 1.5 लीटर इसकी कैपेसिटी है और आप इसकी पावर कोड को हटा सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है बताने लायक। तो अगर इस तरफ देखें, सेम चीज़ है, नॉन स्टिक कोटेड पॉट। तो चलिए, इसका जो प्राइस जो है, आप ये देखोगे प्राइस MRP 2000 के आसपास है, पर सेलर जो है आपको 20-25% तक का डिस्काउंट दे देगा। तो ये आपको 1400 से लेकर 1500 रुपये तक मिल जाएगा। तो इसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आप ये देखिए, जैसे आप नॉर्मल कुकिंग करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक नॉर्मल पैन में गैस के ऊपर, सेम वही है। जस्ट खोला, पानी डाला और जैसे हम आपको अब मैगी बनाकर दिखाएंगे। और इसको कनेक्ट करने के लिए जो है, ये आपका ये दे रखा है और ये इसकी कोड आई है, एक यूज़र मैनुअल है। और यूज़र मैनुअल में जो है इन्होंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बता रखा कि भैया इसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है। तो ज़्यादा प्रिकॉशन इसमें नहीं बताई गई हैं। और इसके साथ एक प्रकार का वॉश करने के लिए हरे रंग का स्क्रैपर है, जो कि हमने बाथरूम में रखा हुआ है। इसके कंट्रोलर को समझे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये ऑफ हो जाएगा 150 वाट में। जो है आप इसको स्लो हीटिंग आप कह सकते हैं कि अगर आप खाने को थोड़ा स्लो बनाना चाहते हैं, जेंटली बनाना चाहते हैं। और अगर ये 60 वाट जो है, यानी कि इसकी फुल कैपेसिटी में आपको ये खाना बना के दिखाएगा। तो चलिए आपको जो है हम अब इसका डेमो देते हैं। तो प्लीज़ इसकी केबल लगा दीजिए। तो हमने पुरानी वीडियो में जो है स्काईलाइन ब्रांड के ही एग बॉयलर का डेमो दिया था। और स्काईलाइन का जो ब्रांड है, भारत में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इतना फेमस नहीं है, पर मुझे जो है इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब इतना ख़राब नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं एक प्रकार का ब्रांडेड प्रोडक्ट ही ये देते हैं। बाकी ओहो, इस इतना करने की ज़रूरत नहीं, ये बस हम ये लगा देते हैं, कोड लगा दी है। तो जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो ये अभी आप 0 देख रहे हैं। तो आप जो है आप इसमें पहले डाल दीजिए प्लीज़। तो आपको हम लाइव मैगी बनाकर आपको दिखाते हैं। तो मैंने तो ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो अंदाजे से आप जैसे मैगी में पानी डालते हैं तो वैसे ही पानी डालना है। तो इन्होंने अपने मतलब मन मुताबिक पानी डाल दिया, नहीं तो जैसे मैगी में लिखा होता है कि भैया एक पाउच बनाने के लिए जो है कितना ML, 150 ML के करीब पानी होता है। तो आप इसके मैगी के यूज़र मैनुअल के हिसाब से आप इसको बनाएंगे। तो ये हम काट रहे हैं, तो जस्ट 2 मिनट में मैगी बन जाएगी। आप जो है जब तक ये डाल रहे हैं, तो आप ये देखिए, आप इसमें चावल बना सकते हैं, भटूरे बना सकते हैं, चाउमीन बना सकते हैं। बाकी तो हमें नहीं पता कि ये क्या क्या मतलब कर सकते हैं, पर इसके साथ जो है जैसे थोड़ा सा
साफ करने में हल्की सी दिक्कत आती है, क्योंकि आप इस पैन को आप पूरी तरह से पानी में डिप नहीं कर सकते। तो ये देखिए, ये हमने मैगी डाली पहले, तो मैगी वेज नूडल डाला और उसके ऊपर जो है ये मैजिक मसाला डाल रहे हैं। तो हम जो है, अब ये दिखाइए, हम वीडियो के नीचे जो है मैगी नूडल का भी लिंक डाल देंगे, आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते, एक बार इसको कर दीजिए, इसको आप पैन को डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। और कुछ चाहिए तो नहीं? अच्छा, ये करना पड़ता है क्या? तो मिक्सिंग करने के लिए। अच्छा, मिक्सिंग पहले करोगे क्या? तो ये थोड़ा मिक्सिंग करे, ऑन कर दूँ? तो आप क्या किस पे करते हो? तो जैसे मैंने ये किया है, स्लो हीटिंग पे किया है, तो अभी ये मतलब यहाँ पर कुछ अलग दिखा रहा है। पावर कंजम्पशन जो है 333 दिखा रहा है, मतलब अगर हम स्लो पे करेंगे नंबर वन पे, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि 150 वाट पर, एक्चुअल में जो बिजली कंज्यूम कर रहा है वो है अराउंड 330 वाट के आसपास। अगर आप इसका टेम्परेचर मैं आपको दिखाऊं, सराउंडिंग टेम्परेचर 18 डिग्री है और इसका टेम्परेचर जो है अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो देखना पड़ेगा। अब जो है मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, कर दूँ मैक्सिमम, कर दूँ 60 वाट कर दिया, 600 वाट कर दिया है, और आप ये देख सकते हैं। तो एक्चुअल में 650 वाट के करीब जो है ये बिजली कंज्यूम कर रहा है। तो जब भी आप इसको यूज़ करें तो अच्छी क्वालिटी की, जो जहाँ पर तार लगी होती है, मोटी तार या हैवी क्वालिटी का एक्सटेंशन, जैसे ये मैंने पावर वाला एक्सटेंशन यूज़ किया है, क्योंकि ये पावर कंजम्पशन की काफ़ी ज़्यादा होती है, एक प्रकार का 600 वाट का इसमें हीटिंग एलिमेंट है। तो मैं हटा दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? ये मैं हटा ही देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी मैगी कैसे बन रही है। आप चाहो तो इसको हटा कर मिक्सी वगैरह कर सकते हो, अगर पानी ख़त्म हो जाए, कम पड़ जाए, तो आप पानी भी डाल सकते हैं इसमें। तो इसमें ऑटो कट का भी फंक्शन है, मतलब अगर ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए या ओवर हीट हो जाए, अगर इसका टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको सराउंडिंग टेम्परेचर दिखा दूँ, इस वक्त 18 वाट है और इस पैन का जो टेम्परेचर है वो 54 डिग्री तक जा रहा है, 60 डिग्री तक जा रहा है। तो ये जैसे इसका फ़ायदा क्या है भाई, क्यों हम लें? सबसे नंबर वन फ़ायदा है कि जो जिन लोगों के पास सोलर पैनल है, ख़ासतौर पर जैसे मैंने लगा रखा है, तो उस केस में जो है आप अपनी गैस को बचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पीजी के बॉयज़ हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ये पोर्टेबल है, आप ट्रैवलिंग करते वक्त कहीं पर भी ले जा सकते हैं, बाज़ार से मैगी ली और अपने रूम में ही मैगी बना ली। इससे बेहतर तो जैसे मेरे पास बिल्कुल छोटा सा है, वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, पर आप इसको भी कैरी कर सकते हैं। और दूसरा जो है, जैसे मेरा ये रूम जो है फर्स्ट फ्लोर पर है, तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें बनाकर ऊपर लाने की बजाय मैं ऊपर कमरे में ही कुकिंग वगैरह कर सकता हूँ। तो ये छोटे यूनिक फ़ायदे हैं। बाकी पावर कंजम्पशन इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 600 वाट कह सकते हैं आप। ये देखिए 650 वाट है, तो इतना हाई पावर डिमांडिंग डिवाइस नहीं है जितना हमारे इंडक्शन वाले कुकटॉप होते हैं, जो कि 2000 वाट बिजली लेते हैं। उसके मुकाबले मुझे लगता है कि 650 वाट जो है बिल्कुल सेफ है, ज़्यादा रिस्की नहीं है। तो आप ये देखिए, ये हमारी मैगी, थोड़ा पानी कम नहीं लग रहा है? देखिए, या ऐसे थोड़ा डीप करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें लगता है कि आप इसमें मैगी को फ्राई भी कर सकते हैं, नूडल भी फ्राई कर सकते हैं। बस ये है कि जब हम इसको धोते हैं, जो हमारा नॉन स्टिक है ये थोड़ा सा उतर जाता है, मतलब आप सभी जानते हैं, जो भी महिलाएं नॉन स्टिक तवा यूज़ करती हैं, तो कभी कभी ये मटेरियल वॉशिंग से हो जाता है। तो इन्होंने कवर कर दिया ताकि ये हमारी मैगी जल्द से जल्द बन जाए। तो फ्रेंड, जब तक ये बनता है, तो हम तब तक आपको ये हम दूसरे गैजेट भी दिखा देते हैं। जैसे ये हमने स्काईलाइन का एग बॉयलर भी ले रखा है, जो कि मुझे 900 से लेकर 1000 रुपए के बीच पड़ा है। ये बजाज का जो ये मेरे को है, ये कम से कम 400 से लेकर 500 रुपए तक पड़ा है।
और ये ऐसे लंच बॉक्स भी ले रखा है, अगर ये जैसे मैगी बनी तो मैं शायद इसी में ही खाऊंगा। और ऐसे ही जो है हमने पुरानी वीडियो में आपको इनाल्सा का इलेक्ट्रिक कैटल का भी डेमो दे रखा है। और हमारे पास बहुत सारे अमेजिंग दूसरे भी फोल्डेबल किचन एसेसरीज हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, अभी शायद हमें थोड़ा 1 या 2 मिनट और वेट करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, और जब भी इसको यूज़ करें तो ये ऊपर एक ये ग्लास वाला लिड लगा दें। आप ये होल्स देख रहे हैं, इसी से आपकी ये सारी भाप जो है एक्स्ट्रा बाहर निकलेगी। अगर मैं टेम्परेचर दिखाऊं आपको, लिड के थ्रू जो जा रहा है वो है 72 डिग्री के आसपास जा रहा है, 75 दिखा रहा है ये। तो प्रोडक्ट की सेफ्टी है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है। और ख़ास तौर पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीजी के बच्चे हैं, या अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो आप ये छोटा मोटा इलेक्ट्रिक वाला ये यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ है। इंडक्शन वाला कुक टॉप होता है, कई लोग कहेंगे वो आप यूज़ कर लीजिए, उस मेरे हिसाब से जो है उसमें जो है लोड कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मतलब 2000 वाट या 1500 वाट, या उसमें आप टेम्परेचर नीचे भी कर सकते हैं, पर फिर भी उसको जो वायर है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो अगर आपके कमरे में इतनी हैवी वायर नहीं गई है, फिर आपको ऐसा यूज़ करना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू कुक टॉप। तो ये देखिए हमारी, लगता है मैगी तैयार हो गई। अब ये देखिए प्लीज़, मैगी तैयार है। रेडी है। तो जैसे आप गैस में मैगी बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही स्वाद आता है, स्वाद में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। और आप ये देखिए यहाँ पर भी ये आगे कोई नुकसान तो नहीं करेगी, हवा पानी यहाँ पर ऑफ कैसे। कर दो। अच्छा ये मैं ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया है, शायद मैंने खोल एक्चुअली दी। ओपन करने से आ गया है। अच्छा ओपन करने से आ गया। तो इसका आपको क्या कहना है कि क्या कुछ बेनिफिट है कि अगर हम ये स्काईलाइन ब्रांड का मल्टी कुकिंग पैन लेते हैं तो कोई फायदा है? हाँ बहुत ही इजी है ये, आप देख सकते हैं कि हमारी 3 to 4 मिनट्स में मैगी बन के तैयार है। मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे गैस में थोड़ा सा हमें ट्रिकी लगता है ये सब करना, जैसे हमें मैगी बनानी है, राइस बनाने हैं, तो आप इसमें जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके और इसमें बना सकते हैं। सो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स ये था, और इसके अलावा जो है आप स्काईलाइन के जो है बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। तो जैसे मैं आपको ये दिखाऊं तो मल्टी कुकर डीप फ्राई, ये आपको ऑनलाइन अमेज़ोन पर जो है 2000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो मैं सभी ब्रांड के सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक कुकर, या आजकल तो आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ब्रांडेड कुकर मिल रहे हैं, मैं सभी का लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।